हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे फिटनेस चैनल में दीपांकर है गाइस। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक ऐसा वीडियो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो है गाइस। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मिथ्स की, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना। ये बहुत ही क्विक वीडियो होगा गाइस, इसमें मैं आपके सारे सवालों के जल्दी जल्दी जवाब दूंगा। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है गाइस वो है कि क्या हाई प्रोटीन डाइट हमारी किडनी, हमारे लिवर, हमारे लिपिड प्रोफाइल को ख़राब करता है? तो गाइस नहीं। अकॉर्डिंगली RDA गाइस, उन्होंने एक स्लैब बनाया जिस स्लैब में एक नॉर्मल इंसान जो कुछ एक्टिविटी नहीं करता, उसको उसका जितना बॉडी वेट है उसको आपको इंटू करना है 0.8। और जो भी आएगा, मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा बॉडी वेट 65 kg है, तो 65 × 0.8 इट मीन्स 52 ग्राम मुझे प्रोटीन चाहिए पूरे दिन में। और वहीं अगर मैं एक एक्टिविटी करता हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो फिर मुझे ऑफिस जा रहा हूँ, जिम कर रहा हूँ, तो इट मीन्स मुझे, मैं एडवांस काम कर रहा हूँ, तो मुझे प्रोटीन चाहिए 65 × 2.2 इट मीन्स 143 ग्राम के आसपास मुझे प्रोटीन चाहिए पूरे दिन में। वहीं अगर मैं बात करूँ एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, तो उसको इंटू करते 3.3 से, इट मीन्स 215 ग्राम प्रोटीन उसको पर डे चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये टोटली सेफ हाई प्रोटीन डाइट से कभी आपका लिवर, किडनी या लिपिड प्रोफाइल ख़राब नहीं होती, अनलेस अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है गाइस, एलमंड्स, क्या एलमंड्स को हमें भिगो के खाना चाहिए? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाहे आप एलमंड्स को भिगो के खाओ, चाहे वो सूखा खाओ, उसके न्यूट्रिशन वैल्यूज़ में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। हाँ, वो भीगने के बाद थोड़े बड़े ज़रूर लगते हैं, बट उससे उसका न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं बढ़ जाता, न्यूट्रिशन वैल्यू सेम रहता है। तो आप एलमंड्स कैसे भी खा सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है गाइस, सप्लीमेंट, क्या मैं ये सप्लीमेंट ले लूँ तो मेरी बॉडी बन जाए, क्या मैं ये सप्लीमेंट लूँ? तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि सप्लीमेंट्स यस आपकी हेल्प करता है, आपको इन्हेंस करता है, आपका रिजल्ट जल्दी आता है, बट वो तब जब आपका डाइट प्रॉपर, आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर। अगर आपकी न्यूट्रिशन में कमी है तो भूल जाओ कि खाली सप्लीमेंट से कुछ होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। तो अपने डाइट को ठीक करो, सप्लीमेंट ऐड करो, फिर देखो रिजल्ट्स कैसे आते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब ये तो मेरे से बहुत लोग पूछते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, मास्टरबेशन और वर्कआउट का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मास्टरबेशन करने से ऐसा नहीं होता कि आपकी मसल ग्रोथ नहीं करेगी, कि बॉडी नहीं बनेगी, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बॉडी को बिल्ड करता है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन, और मास्टरबेशन से ऐसा नहीं होता कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम हो जाए। इट्स ए नेचुरल थिंग, ये नेचुरल, ये प्रकृति ने बनाया है, तो इससे तुम्हारे बॉडी बिल्डिंग में कोई इफेक्ट नहीं आता, कुछ भी नहीं। क्रिएटिन, क्रिएटिन से लोगों को लगता है कि क्रिएटिन ले लेंगे तो हमारी बॉडी बढ़ जाएगी, हमारा मसल साइज बड़ा हो जाएगा, बट नहीं गाइस, बिल्कुल रॉन्ग है। क्रिएटिन का बेसिकली काम क्या है, क्रिएटिन काम कैसे करता है, मैं आज आपको बताऊँ। आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी ATP जनरेट करती है, ATP मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी में ATP होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगा, उतना ज़्यादा आप लिफ्ट कर पाओगे, उतने रैप्स आते लगते। तो क्रिएटिन आपके बॉडी में ATP की क्वांटिटी को बढ़ा देता है। इट मीन्स जहाँ आप 15 रैप लगा रहे हो, आप 16-17 रैप लगाओ, बस क्रिएटिन का काम यहीं तक है। और क्रिएटिन बॉडी में वाटर होल्ड करता है, इस वजह से लोगों को लगता है कि हम क्रिएटिन से हमारा मसल साइज बढ़ता है, बट ऐसा नहीं है। मसल साइज अगर बढ़ता है, अच्छी डाइट, अच्छा वर्कआउट और आपका प्रोटीन इनटेक पूरा होना चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, क्या जब मैं गेनर लेता हूँ तो मेरा साइज़ बढ़ जाता है, बट मैं जैसे छोड़ देता हूँ तो मेरा साइज़ डिप्लीट होगी? तो इसका आंसर यह है कि जब आप गेनर लेते हो, मान लो आपके गेनर के एक स्कूप में 700-800 ग्राम कैलोरीज का वो स्कूप है, फिर आप डाइट भी ले रहे हो 2,500-3,000 कैलोरीज की, मान लो 2,500 कैलोरीज की ले रहे हो, तो दो स्कूप आपने लिया, मतलब टोटल अगर देखा जाए 800 सुबह, 800 शाम को, और 2,500 यानी 4,000 या 3,700 या 4,000 कैलोरीज के बीच में आप डाइट ले रहे हो, तो ऑब्वियसली आप वर्कआउट अच्छा कर रहे हो, आपकी कैलोरी हाई इनटेक है, तो आपका वाटर बढ़ रहा है, मसल बढ़ रहा है, हर चीज़ बढ़ रहा है बॉडी में, फैट बढ़ रहा है, तो आप लोगों को लगता है कि वो साइज़ बढ़ रहा है। बट जब आप गेनर छोड़ देते हो तो आप सिर्फ डाइट कितनी ले रहे हो, वही अपना 2,500, बाकी तो गया ना। तो या तो आप फूड से उस चीज़ को पूरा करो, फूड उसमें और ऐड करो और बढ़ाओ कि 4,000 कैलोरीज तक जाऊँ,
तब जा कर के आपका वो मेंटेन रहेगा। बट लोग गलती क्या करते हैं, लोग गलती ये करते हैं कि कैलरीज बिल्कुल डिप्लीट कर। गेनर इस तरह से काम करता है, अगर आप चाहते हो आप अपना मसल साइज बना के रखो तो अपनी डाइट पर बहुत ज़्यादा फोकस करो, कैलरीज को ध्यान दो कि कितनी कैलरीज मैं ले रहा हूँ कितनी कैलरीज नहीं ले रहा हूँ। अगर आप इस चीज़ को मेंटेन कर लेते हो फिर देखो गेनर कैसे अच्छे से काम करता है। क्वेश्चन है कार्ब्स के ऊपर गाइस, बोल दो कि तुम ब्रेड पकौड़ा खा लूँ, मैं समोसा खा लूँ, मैं चाउमीन खा लूँ या मैं चिली पटेटो खा लूँ, ये भी तो कार्ब्स हैं। लेकिन ये सब बैड कार्ब्स हैं, हमें खाना है हेल्दी गुड कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं ओट्स, ब्राउन ब्रेड और आपका स्वीट पटेटो, किनुआ, ये सब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आते हैं। तो इतना से जितना ज़्यादा हो सके अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रखो, ज़्यादा स्पाइसी या ज़्यादा सॉल्टेड या ज़्यादा ऑयली चीज़ें मत रखो। जिम करने की सही एज क्या है, तो मैं कहूँगा जिम करने की सही एज 11 या 12 ईयर्स। अगर आप उस एज में स्टार्ट करते हो 20-21 ईयर्स तक आते आते आप अपने पीक पर होंगे, क्योंकि इतने सालों की ट्रेनिंग आपको एक अच्छा रिजल्ट देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हैवी लिफ्ट करने से हमारी हाइट ऊँच जाती है, तो गाइज नहीं, ये टोटली रॉन्ग है, ये मिथ है। इनफैक्ट अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी है, आपका डाइट अच्छा है, तो चांसेस है कि आपकी हाइट बढ़ जाए, बट कभी रुक नहीं सकती। इट्स ऑल अबाउट द जेनेटिक्स, ये डिपेंड करता है आपके मॉम डैड या आपके जेनेटिक्स पर कि आपकी हाइट कितनी ग्रो करेगी। क्या हमें जिम बेल्ट पहनना चाहिए जिम के अंदर, तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपको लोअर बैक में कोई इंजरी है या आप पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको बेल्ट पहनना चाहिए। बट मैंने देखा है लोगों को कि वो क्या करते हैं, 5-5, 10-10 किलो, 20-20 किलो में बेल्ट लगा रहे हैं। आप अपने लोअर बैक की स्ट्रेंथ को कम कर रहे हो, उसकी स्ट्रेंथ आपके, आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ने ही नहीं दे रहे हो, उसे आपने रोक रखा है। सपोज़ करो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपके पीछे कोई सपोर्ट करने के लिए खड़ा है, आप चेस्ट प्रेस कर रहे हो और आपने लगा रखा 40 kg, आपसे निकले 4, अब उसने सपोर्ट दे के आपसे निकलवा दिए 12, तो क्या हुआ, इट मीन्स आपने तो नहीं लगाया ना, आपकी स्ट्रेंथ तो बढ़ी नहीं, वो कब तक लगवाएगा, आप एक धोखे में हो, आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही। पर जब आप खुद उसे लिफ्ट करोगे तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका ब्रेन ट्रेन होगा, आपका ब्रेन स्ट्रांग होगा, जितना आपका ब्रेन स्ट्रांग होगा उतना आपके मसल स्ट्रांग होंगे। तो गाइस अगर आप हैवी जा रहे हो कि आपको 2 रैप या 3 रैप लगाना है तो आप ज़रूर बेल्ट पहनो सेफ्टी के लिए, बट जहाँ 15-20 रैप लगाना हो वहाँ बेल्ट पहनने का मतलब ही नहीं बनता। पर उसमें पोस्चर का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अगर आपको पोस्चर रॉन्ग है तो फिर इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। तो गाइस एक शॉर्ट वीडियो थी, छोटी सी वीडियो थी, आई होप आप लोगों को आपके आंसर्स मिल गए होंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए, यूट्यूब चैनल पर दिमाग कर रहा है उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा, और जितना शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, कहिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।